नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों मुझे एक मेल में एक्चुअली एक विषय मिला जिन्होंने मुझे कहा है कि बाएं हाथ के जो तर्जनी है, हालांकि मैंने इस विषय को थोड़ा क्लियर कर दिया था पहले भी, पर मुझे लगा कि इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना देते हैं। इसके बाद मुद्रा को लेकर मैं और कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ये जो है मुद्रा के ऊपर आप बोल सकते कि अभी के लिए लास्ट वीडियो है। तो इस मेल में मुझे कहा गया कि बाएं हाथ से जो है बाएं हाथ की तर्जनी और जो अंगुष्ठ है उसके माध्यम से स्पर्शन करते हुए ही जो है धूप मुद्रा किया जाता है। तो पहली बात मैंने कहा था कि स्पर्शन जो है वो कई प्रकार से होते हैं और मुद्रा प्रदर्शन जो है उसके एक अलग विषय है। मुद्रा प्रदर्शन जहाँ पर जो है ये लिखा नहीं है कि आपको बाएं हाथ से करना है, वहाँ पर आपको दक्षिण हस्त का ही जो है ना प्रयोग करना चाहिए हमेशा। तो यही नियम है, जब उल्लेख नहीं होगा तब आपको दक्षिण हस्त से ही करना चाहिए, दक्षिण कर से ही करना चाहिए। जब बाम कर लिखा होता है तो बाम कर में कुछ मुद्राएं आदि जो है वो किए जा सकते हैं, पर दक्षिण कर से तर्जनी जो है वो एक्चुअली जो है दोस्तों वो मूल रूप से जो है जो कॉमनली देखा जाता है वो जो है, और मैंने भी जितने सारे आगम में हो या फिर जितने भी ग्रंथों में मैंने पढ़े हैं वहाँ पर विषय यही है कि वो जो है वो स्पर्शन होता है। बाएं हाथ की तर्जनी से जो है इस प्रकार से स्पर्शन किया जाता है, जो धूप पात्र होते वो स्पर्शन किया जाता है, वो मुद्रा नहीं होती है, वो मुद्रा नहीं होती है। उन्होंने एक्चुअली मुझे इस बारे में कहा कि मुद्रा जो है उसी प्रकार से दिखाया जाता है, आप जो है गलत हस्त के बारे में बोल रहे हैं। तो पहली बात तो मैंने पढ़ के सुनाया है सभी को और मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई अलग से कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए था, पर हाँ अगर उन्हें इस प्रकार की प्रश्न जो है उनके मन में उठा है तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुझे किया भी, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि इस विषय को जो है थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर आगम में मैं जो है मैं संस्कृत में तो वो पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके जो हिंदी में उसके जो सारांश दिए गए हैं वही मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि संस्कृत में वो वाला विषय जो है वो थोड़ा बड़ा है। मैं हिंदी में ही केवल आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस आप लोगों को समझाने के लिए विषय जो है। मुद्रा प्रदर्शन जो है यानी कि ये अंगुष्ठ और तर्जनी जो है इसके माध्यम से जब हम जो है इसे स्पर्शन भी किया जा सकता है, इसे स्पर्शन करते हुए मूल मंत्र का पाठ करने के बाद जो है इस तरह से धूप मुद्रा प्रदर्शित किए जा धूप मुद्रा प्रदर्शन किए जाते, ये धूप मुद्रा इसके बाद ही प्रदर्शन, जब हम दिखा रहे, जब हम क्रिया के माध्यम से दिखा रहे, मुद्रा यही है पर प्रदर्शन ये होता है, जब हम दिखा रहे हैं तब उसे प्रदर्शन कहा जाएगा। तो मुद्रा के माध्यम से भी जो है इस प्रकार से मूल मंत्र पढ़ के जो है प्रदर्शन आदि करके धूप आदि दिखाया जाता है, ये एक नियम है। और स्पर्शन केवल मात्र स्पर्शन जो है वो भी किया जाता है, उसमें आखिर में मुद्रा आदि दिखाई जाती है, यानी कि स्पर्शन के माध्यम से मंत्र आदि बोलने के बाद जो है मुद्रा आदि दिखाया जा भी सकता है, कई लोग नहीं भी दिखाते हैं घंटावादी के साथ जो है, या फिर जो है नॉर्मली धूप पात्र लेकर जो है भगवान को दिखाते हैं। तो ये विषय जो है कन्फ्यूजन मुझे लगता है इस जगह पर हो रहा है कि स्पर्शन जो है बाएं हाथ की तर्जनी से केवल मात्र स्पर्शन होता है, जो धूप पात्र है उसका स्पर्शन होता है, दाएं हाथ की ये जो ओ है इसे मुद्रा कहा जाता है, ये जो तर्जनी और अंगुष्ठ एकत्रित होकर इसे मुद्रा कहा जाएगा, ये धूप मुद्रा, इसे आप स्पर्श करके मूल मंत्र देख के उसके बाद ये मुद्रा हो गया, इसके बाद ये जो आप कर रहे हैं जब आप दिखा रहे धूप से तो वो मुद्रा हो गया, ये मुद्रा प्रदर्शन हो जाता है, ये मुद्रा और ये जब हम कर रहे हैं क्रिया तो वो मुद्रा प्रदर्शन हो रहा है। तो ये विषय पूर्ण अलग है, और जो स्पर्शन केवल मात्र जो कि बाएं हाथ की तर्जनी के बारे में कहा गया है वो बिल्कुल अलग है दोस्तों, दोनों विषय ना संपूर्ण अलग है। मैं यहाँ पर हिंदी में आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। धूप पात्र में स्थित अंगार ज्योति में अर्थ अंगार ज्योति मतलब जो भी आप नारियल के छिलके और कंडे आदि जलाएंगे, अंगार छिलके में अगरुचूर्ण गुग्गुल कर्पूर आदि प्रक्षिप्त करने के बाद
पुष्प पात्र से प्रक्षिप्त करने के बाद पुष्प पात्र से पुष्प आदि लेकर प्रोक्षण के बाद पुष्प समर्पित करके धूप को धूप धूप प्रणाम करें, अर्थात हाँ धूप को जो है मतलब उस धूप को जो है दोस्तों, मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि एत गंध पुष्प धूपाय नमः, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो धूप है उसे जो है पूजा के योग्य बनाया जा रहा है। हमने पहले प्रोक्षण जल आदि से प्रोक्षण किया जाता है, उसके बाद गंध पुष्प अक्षत से पूजन किया जाता है। फिर मूल श्लोक पढ़ते हुए, यहाँ पर ध्यान दीजिए ज्यादा, फिर मूल श्लोक पढ़ते हुए बाएं हाथ की तर्जनी से धूप पात्र का स्पर्श करते हुए वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतम एष अधूप सपरिवाराय देवताया धूप निवेदयामि और समर्पयामि। ये मंत्र उच्चारण करते हुए शंखस्थित जल छिड़कते हुए मतलब जो है समर्पित हमने कर दिए, उसके बाद जो है जो शंखस्थित जो जल है या फिर आचमन पात्र का जल जो है वो जल छिड़कते हुए जो है तर्जनी एवं अंगुष्ठा मिलाकर धूप मुद्रा प्रदर्शित करना चाहिए। फिर घंटा की अपने मंत्र से जयध्वनि मंत्र मात्र स्वाहा, इससे घंटा पूजन करते हुए बाएं हाथ में घंटा लेकर घंटा ध्वनि करते हुए दाएं हाथ में धूप पात्र लेकर भगवान के नाभि तक जो है धूप प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये जो हो जाता है संपूर्ण धूप विधि हो जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। धूप पात्र में स्थित ज्योति अंगार में ए अगरु कर्पूर आदि ए गुगुल आदि प्रक्षिप्त करें, उसके बाद पुष्प पात्र से पुष्प लेकर प्रोक्षण आदि करके पुष्प से धूप आदि प्रणाम करें या फिर समर्पित करें। फिर मूल श्लोक पढ़ते हुए बाएं हाथ की तर्जनी से पात्र का स्पर्श करते हुए वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर, मतलब यही मूल मंत्र जो है पढ़ते हुए जो है जो धूप मंत्र है वो पढ़ते हुए सपरिवाराय जो भी देवी देवता है दिव्य यहाँ पर देवताय धूप निवेदयामि, ये बोलते हुए आचमन पात्र या शंखस्थित जल जो है चारों तरफ छिड़क कर तर्जनी और अंगुष्ठ मिलाकर धूप मुद्रा प्रदर्शित करना चाहिए। और फिर जो है घंटा पूजन करते हुए जय ध्वनि मंत्र मात्र स्वाहा मंत्र के साथ बाएं हाथ में घंटा ध्वनि करते हुए दाएं हाथ में धूप पात्र उठाकर भगवान को धूप प्रदर्शन या फिर अरात्रिक के तरह जो है उन्हें धूप दिखाना चाहिए, 10 बार उनके सामने धूप घुमाना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों ये संपूर्ण धूप विधि है, यानी कि धूप निवेदन विधि है। तो मुद्रा अलग विषय है, मुद्रा के बारे में कहीं पर नहीं कहा जा रहा है ये कि बाएं हाथ से है। अगर किसी मुद्रा के बारे में, कई मुद्रा जैसे कहा जाता है कि दोनों हाथों को, कई मुद्रा कहा जाता है कि बाएं हाथों को, तो यहाँ पर बाएं हाथ से मुद्रा प्रदर्शन के विषय नहीं है। यहाँ पर जो है वो स्पर्शन है, बाएं हाथ की जो तर्जनी है उससे जो है धूप पात्र स्पर्शन है, स्पर्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो धूप पात्र बाएं हाथ की तर्जनी से स्पर्शन अलग है और ये जो धूप मुद्रा है ये दो विषय जो है संपूर्ण अलग है। तर्जनी और अंगुष्ठ मिलाकर धूप मुद्रा एक अलग विषय है और केवल बाएं हाथ की तर्जनी से स्पर्शन जो है वो एक अलग विषय। संपूर्ण यहाँ पर जो है ना ये साफ किया गया है कि बाएं हाथ की ई तर्जनी से धूप पात्र को स्पर्श करते हुए वनस्पति आदि जो मंत्र है वो पढ़ते हुए फिर जो है धूप निवेदयामि या समर्पयामि बोलने के बाद आपको जो है जो आचमन पात्र या शंखस्थित जल जो है वो छिड़कते हुए फिर तर्जनी और अंगुष्ठ मिलाकर धूप मुद्रा दिखाने के बाद आपको घंटा ध्वनि और जो है धूप हाथ मतलब बाएं हाथ में घंटा ध्वनि करते हुए और दाएं हाथ में जो है आपको धूप लेकर जो है आपको धूप भगवान को दिखाना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है ना संपूर्ण धूप विधि हो जाता है। तो ऐसे ही हर पात्र को स्पर्शन करने का ये एक विधि होता है, मतलब बाएं हाथ की किसी उंगली से या फिर कई और विधि से भी जो है स्पर्शन किया जाता है। तो स्पर्शन जो है वो मुद्रा नहीं होती है,
मुद्रा एक अलग विषय है, स्पर्शन जो है वो एक अलग विषय है। यहाँ पर इसलिए साफ कहा गया है कि बाएं हाथ की तर्जनी से स्पर्श और उसके बाद जो है मंत्र आदि से निवेदन के बाद जो है जल छिड़कते हुए धूप मुद्रा यानी कि आचमन पात्र आदि के जल चारों ओर इस तरह से छिड़कते हुए जो है, क्योंकि देखिए हर चीज़ तो नैवेद्य ही होता है, हम निवेदन जो कुछ भी करते हैं तो जैसे कि हम नैवेद्य आदि जो कुछ भी हम देते हैं तो उसके चारों ओर जल छिड़क देते हैं ना, तो उस प्रकार जो है जल आदि छिड़क कर जो है उसके बाद मुद्रा प्रदर्शन करने के बाद जो है घंटा ध्वनि के साथ धूप प्रदर्शन किए जाएंगे यानी कि धूप दिखाया जाएगा। तो ये संपूर्ण विषय होता है। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो कन्फ्यूशन हो रहे थे जिन्होंने मुझे मेल किया है, मुझे लगता है उन्हें भी ये समस्या जो है वो पूरी तरीके से उन्हें समझ में आ गया है कि तर्जनी से बाम हस्त के तर्जनी से स्पर्शन एक अलग विषय है और धूप मुद्रा जो है वो एक अलग विषय है। ये विषय जो है ना अगर आप समझ जाएंगे दोस्तों तो मुझे लगता है ऐसी कोई कन्फ्यूजन, कई सारी चीज़ें ना हम पूरा एक्चुअली नहीं ना जानकर जो है ना हम अपने मन में कई सारे विषय पाल लेते हैं और उससे क्या होता है हमारे मन में भी कन्फ्यूजन होता है, हम जिन्हें बता रहे हैं या फिर किसी और को हम बता रहे हैं इससे क्या होता है हमें आधे मतलब मैं देखिए मैं यहाँ पर किसी को किसी की समालोचना नहीं करना चाहता, पर क्या होता है जब भी हम कोई विषय जाने ना तो उसे पूर्णता से जानना चाहिए। मैं इसलिए आप कई लोग कहते हैं ना कि आप केवल इसके विषय में क्यों बताते हैं, वो सारे ये विषय वो विषय ऐसे विषय वो विषय क्यों नहीं बताते। देखिए दोस्तों मेरा मानना है जो मैं जानूं यानी कि मैं धूप आदि धूप सेवा आदि इसके बारे में अरात्रिक आदि के बारे में और निवेदन विधि के बारे में जो है अगर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसे बस पूर्ण जानूँ, मैं उसे पूर्ण जानूँ क्या है। बहुत सारी चीज़ें शास्त्र में हमारी पद्धतियों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूजा पद्धति ही जो है वो तो बहुत सारे हैं। तो मैं तो यहाँ पर केवल धूप आरती आदि और निवेदन विधि आदि ही आप लोगों को बताता हूँ। मेरा कोशिश यही रहता है हमेशा कि मैं जो है इसे पूर्णता से सीखूँ, इसका ज्ञान मैं लूँ और आप लोगों को जो है मैं जितना जान पाया हूँ मैं जितना सीख पाया वो बस आप लोगों को बता पाऊँ। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ जाना जाए ना तो उसे संपूर्ण जानना चाहिए, तो देखिएगा ये सारे कन्फ्यूशन अपने आप दूर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये विषय क्लियर हो गया है कि धूप में जो है धूप पात्र स्पर्शन जो है वो बाएं हाथ की तर्जनी से करने के विषय में कहा गया है और जो मुद्रा आदि है वो एक अलग विषय है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जो है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं दोस्तों और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए किसी जानकारी के साथ नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।